हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन रशिया। तो आई एम ए फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन बशकी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बशकी स्टेट मेडिकल की यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको जानना जरूरी है, जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्लान करें। तो मैं आपको बता दूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अगर आप बस मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ एज ए स्टूडेंट, बस वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जो यहाँ की होगी। मेरा किसी भी कोई एजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर से डील करता हूँ। जो आपको सही होगा मैं वही चीज़ बताऊंगा, बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि बहुत के कॉन्ट्रैक्टर से मिलो, मैं इसकी तारीफ करूँ, मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और जिसके थ्रू मैं आया वो भी नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात को बताता हूँ कि बशकी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है कि रशिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से है। ये यूनिवर्सिटी 1932 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये रशिया की टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटी में आती है, जिसका एनाटॉमी डिपार्टमेंट है वो टॉप 5 में आता है। और ये WHO MCI जैसे आप लैब लैब देना चाहते हैं सबसे रिकॉग्नाइज्ड है। और इसकी जो वर्ल्ड रैंक है वो आपकी लगभग 4000 के अप्रॉक्स है। और उसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आपका सिक्स ईयर के अंदर ही आपकी इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। और ये यूनिवर्सिटी फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है। जैसे अगर आप बहुत जगह सुनोगे कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है, नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल में आपकी क्लासेस लेंगी तो आपको वहाँ पे आपको जो पेशेंट से इंटरेक्शन करना पड़ेगा उसके लिए आपको रशियन चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इतने अच्छे से रशियन सिखा देंगे कि आप वहाँ पे पेशेंट से अच्छे से रशियन में बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोर्सेज आपकी जो क्लासेज होंगी, जो आपको प्रैक्टिकल क्लास होगी, वो सब कुछ इंग्लिश में है। जो आपको बस रशियन से पेशेंट बात करेंगे वो आपको बस रशियन में होगा, बाकी फुली इंग्लिश मीडियम है। और मतलब यहाँ की अगर हम MCI पासिंग रेशियो की बात करें तो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से उसका 30%+ MCI रेशियो है। बात करते हैं यहाँ की फीस की, तो इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है साल की 2,99,244 रूपल है। और यूनिवर्सिटी की फीस जो होती रूबल में होती, डॉलर में नहीं होती। तो और ये मतलब लास्ट ईयर की जो थी फीस थी वो 2,94,120 रूपल थे। और जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो हर साल लगभग 1-4% के अप्रोक्स इंक्रीज होती है। ऐसे अगर कभी कभी 5,000, कभी 4,000 इंक्रीज होती है। तो ये फीस है। अब बात करते हैं यहाँ के हॉस्टल की। हॉस्टल के बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर उड़ा के रखे हैं कि यहाँ बशकीर में हॉस्टल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बशकीर के अंदर अभी 7 हॉस्टल हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल, जिसके अंदर 500 की कैपेसिटी है, 3,500 स्टूडेंट हो सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 प्राइवेट हॉस्टल हैं, ठीक है, और 2 हॉस्टल अभी बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आएंगे उसमें मिलेगा। और जैसे होता है कि ये कुछ हॉस्टल हाँ दूर हैं, लेकिन दूर है मतलब जैसे हॉस्टल मैंने वो कैंपस में है। हॉस्टल 2 है जो लगभग आपका मान लो 1.5 किलोमीटर है। हॉस्टल 3 और 4 जो 5 है वो आपके लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है। और बात करें हॉस्टल 6 की, हॉस्टल 6 भी मतलब लगभग 12-10 किलोमीटर है। हॉस्टल 7 भी अप्रॉक्स 7-8 किलोमीटर है। तो ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आते हैं तो यूनिवर्सिटी उनको पास के हॉस्टल प्रोवाइड करती है, ना कि दूर वाले। जो सीनियर हो जाते हैं तो हॉस्टल उनको, जैसे जो दूर हॉस्टल है तो वहाँ से जो होता है ना हॉस्पिटल पास रहते हैं, तो जैसे थर्ड ईयर के बाद से तो सारी क्लास हॉस्पिटल में लगती है। तो यूनिवर्सिटी सीनियर को उधर शिफ्ट कर देती है, ना कि जूनियर जो आते हैं फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको यूनिवर्सिटी के पास वाली हॉस्टल में। तो यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी स्पेस है, ठीक है। तो हम बात करें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की फीस की, तो यहाँ की जो नॉर्मली जो फीस है, अगर आपके 3-4 सीटर रूम है तो उसकी फीस आपकी रहती है 13,000 रूपल पर ईयर। अगर आपका हॉस्टल का जो रूम है वो 2 सीटर है तो उसकी लगभग आपका 2,200 से 2,500 रूपल पर मंथ जाती है, ठीक है। अगर आपकी मतलब अगर आपको हॉस्टल 2 प्राइवेट हॉस्टल उनमें से है तो उनकी जो फीस जाती है वो आपकी जाएगी आपका अप्रॉक्स 3,500 रूपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो हॉस्टल है वो कॉमन है, मतलब अलग नहीं, लेकिन फ्लोर मतलब टॉयलेट बाथरूम ये सब अलग है, लेकिन फ्लोर कॉमन रहते हैं, कॉमन अलग नहीं होते, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रूम की शेयरिंग भी है, जैसे हॉस्टल 2 है उसके अंदर 3 और 4 शेयरिंग रूम है, हॉस्टल 1 के अंदर 4 शेयरिंग ही रूम है, और हॉस्टल जो 5 है उसमें भी न्यू रूम जो है वो 2 शेयरिंग है और 3 शेयरिंग 4 शेयरिंग सब है, ठीक है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे फूड की। यहाँ पे अभी मैस नहीं है, जैसे होता है ना कि हॉस्टल के अंदर मैस नहीं है, लेकिन यहाँ पे टिफिन सिस्टम है। जैसे अगर आप मोस्टली लोग तो यहाँ पे सेल्फ कुकिंग करते हैं, तो बट टिफिन सिस्टम रहता है, इजीली रहता है। अगर आपको मतलब टिफिन चाहिए स्टार्टिंग में टिफिन लगवा लो तो उसका जो प्राइस रहता है वो 5,500 से 6,000 से 8,000 तक जाता है। अलग अलग कई यहाँ पर टिफिन सिस्टम है तो वहाँ पे जाता है। और इंडियन रेस्टोरेंट भी यहाँ पे 3 इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और अगर आप खुद से सेल्फ कुकिंग करोगे तो आपका 3 से 4 हज़ार मंथली आएगा, उससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। तो और बहुत से लोग पूछते हैं कि यहाँ पे वॉर की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ा, तो मैं आपको बता दूँ कि वॉर की वजह से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बस ये है कि यहाँ पे जो कार्ड थे वो बंद हो गए, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। प्राइस भी नॉर्मल आ गया, तो रेट भी अप्रॉक्स बराबर इस समय ज़्यादा ही चल रहा है, NR बड़ा चल रहा है, और बस और कुछ नहीं है मतलब। और बात बस ये है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड बंद हो गए,
अगर उसकी जगह है तो उसकी जगह बाइनेंस से क्रिप्टो करेंसी से पैसा मंगाया जा रहा है, जैसे आप देख सकते होता है। तो अगर आप इंडिया से अगर फर्स्ट ईयर में आए तो आप सोच रहे हैं तो आप इंडिया से इंटरनेशनल रुपए कार्ड बनवा लें। और यहाँ पे PNB में थोड़ा कम चार्जेस लगता है, अगर अदर बैंक का देखें तो उसमें थोड़ा ज़्यादा चार्जेस लगता है, अब तो अप्रोक्स बराबर ही चल रहा है। तो बात करें यहाँ के हम लोग सिटी की, जो उफा सिटी है, ये मतलब उफा सिटी है, ये काफ़ी अच्छी सिटी है, काफ़ी मतलब रशिया की टॉप ब्यूटीफुल सिटी में से आती है। और यहाँ पे बेलिया रिवर भी है जो हॉस्टल 2 के सामने से बिल्कुल दिखती है। और मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि जो उफा के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, यहाँ पे अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो मॉस्को के थ्रू आ सकते हैं, ये अगर आप फ्लाइट अगर सस्ती हो तो बाया दुबई भी आ सकते हैं, अगर जैसे दिल्ली से दुबई, या फिर अगर आप महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र से दुबई, दुबई से उफा, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, अब बात करें सेफ्टी की, तो यहाँ पे जो गेट पे रहता है 24 घंटे, यहाँ पे जो होता है गेट के ऊपर बैठा रहता है, और यहाँ पे हर सब जगह कैमरे लगे हैं, यहाँ पर कुछ भी पुलिस सेफ्टी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर रात में भी आप निकल जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, रात के अगर 2-3 बजे निकलेंगे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मंथली एक्सपेंस की, तो यहाँ पे जो मंथली एक्सपेंस है आपका वो बैठता है, अगर आप नॉर्मली खर्चा करते हैं तो आपका सेल्फ कुकिंग करते हैं नॉर्मली खर्चा करके आपका मतलब 3 से 4 हज़ार आपका कुकिंग के सामान में आ जाएगा। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, अगर हॉस्टल 1 में रहते हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा 2 से 3 हज़ार, वरना फिर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि विंटर के टाइम में काफ़ी ठंड होती है तो बर्फ़ पे पैदल चलना मतलब जाना आसान नहीं होता, तो लोग बस से ट्रैवल करते हैं। तो मान के आपको लीजिए 8 से 10 हज़ार में आपका मंथली एक्सपेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एजुकेशन पैटर्न है ना उसकी, तो यहाँ पे जो है ना जैसे इंडिया में होता है कॉलेजों में चाहिए होती है 75% 70% अटेंडेंस, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो होता है आपका यहाँ पे 100% अटेंडेंस कंपलसरी है, आप क्लास मिस नहीं कर सकते, अगर आप क्लास मिस करोगे तो आपको रिवर्क करना पड़ेगा, मतलब उस क्लास में टीचर जाकर टाइम लेना पड़ेगा, फिर उसको क्लियर करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे रेटिंग सिस्टम चलता है, जैसे अगर आपका हर क्लास में रेटिंग मिलेगी और एक मतलब एक बड़ा जो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो आपको रेटिंग मिलेगी, तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम चलता है, यहाँ पे 5 के अंदर ही नंबर मिलते हैं, अगर आप 5 में 5 चलाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे क्या क्या खर्चा आता है, यहाँ पे अगर हम खर्चे की बात करें तो यहाँ पर एक तो आपकी फीस हो गई 2,44,000, 2,99,244 रुपये, उसके बाद आपकी फिंगरप्रिंटिंग होती है जो यहाँ पे बायोमेट्रिक है जो बोर्ड के बाद यहाँ पे लगाई है, जो सब स्टूडेंट कराना कंपलसरी है, तो वो लगभग उसमें 14,000 रुपये का खर्चा आता है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस में 2,600 रुपये खर्चा आता है। बात करें मेडिकल चेकअप की, तो मेडिकल चेकअप में लगभग आपका 3,800 से 3,900 का खर्चा आता है। उसी बात करें हम लोग वीज़ा एक्सटेंशन की, तो वीज़ा एक्सटेंशन की आता है 1,600 रुपये, अगर ये हम लोग मोटा मोटा लगा लें तो ये आपका लगभग 22-23 हज़ार के आसपास बैठेगा, ये आपका अदर खर्चों का फीस सेट आगे। हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के टोटल बजट की, अगर आपका सब कुछ मिला लें आपका फीस और हॉस्टल में आके, तो आपकी फीस 19 से 20 लाख में आपका लग जाएगा, उसमें मंथली एक्सपेंस आपका अलग रहेगा। ठीक है, मंथली एक्सपेंस आपका अलग रहेगा, तो आपकी आपको लगभग 26 से 27 लाख में आ जाती है आपकी यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा मतलब बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, लगभग आपका काफ़ी सालों से पढ़ा रही हो, काफ़ी यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, लास्ट जो था उसका FMG पासिंग रेशियो मतलब 80 मतलब लगभग 90 स्टूडेंट ने यहाँ से दिया था, लगभग 28 स्टूडेंट ने फर्स्ट अटैम्प में क्लियर करा था, 28 ने, जो सेकंड अटैम्प हो जाएगा उसमें लगभग सारे कर लेंगे, तो मतलब एक साल में सारे स्टूडेंट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आपको बशीर से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो, अगर आप मतलब हॉस्टल के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, और आपको इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम में नीचे लिंक होगा, वहाँ पर भी मतलब आईडी होगा, आप कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर जो आपको मशीन में लेना चाह रहा है एडमिशन तो उसको शेयर करें। और मैं आपको फिर लास्ट में बता दूँ, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, मेरा किसी कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है।